अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। आपने बहुत सारी चीज़ों के हवाले से सुना होगा कि किचन कैबिनेट में जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए कई प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं, लाइफ हैक्स कर सकते हैं, कई ऐसे नुस्खे बना सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए, आपकी जल्द के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप में फनकाराना महारत है और आप वो आर्टिस्टिक टैलेंट रखते हैं तो यही किचन कैबिनेट आपके फनपारों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? आज सबसे पहले प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं एक सॉल्ट मास्टर से। इनकी खास बात यह है कि सिर्फ नमक का इस्तेमाल करते हुए, जैसे आपने सैंड आर्टिस्ट को देखा होगा, सिर्फ नमक का इस्तेमाल करते हुए ये बहुत ही खूबसूरत फनपारे बनाते हैं। और ये सिर्फ ख्याली तस्वीरें नहीं होती, ये सिर्फ लैंडस्केप्स नहीं होते, बल्कि मशहूर शख्सियात की पोर्ट्रेट्स भी सिर्फ सॉल्ट की मदद से बनाई जाती है। हमारे सामने इनकी एक लेटेस्ट काविश आई जब इन्होंने लता मंगेशकर जी को एक ट्रिब्यूट देते हुए उनका भी पोर्ट्रेट बनाया। आइए सबसे पहले इनकी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इनसे मुलाकात भी करते हैं। नमक को तो हमेशा खाने में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप सुनके होंगे हैरान कि डेनमार्क बेस्ड पाकिस्तानी आर्टिस्ट आमिर हुसैन बनाते हैं नमक से खूबसूरत फनपारे। फनपारे बनाने के लिए थोड़ा सा काला कपड़ा, कुछ गत्ते के टुकड़े और थोड़ा सा नमक दरकार होता है। आमिर हुसैन ने मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात के बड़े ही खूबसूरत फनपारे तैयार किए हैं, जिनमें लता मंगेशकर, अली सदपारा और उमर शरीफ के फनपारे काबिले दीद हैं। आमिर हुसैन ने ये फनपारे खुश्क नमक के स्प्रे और गत्ते के टुकड़ों से तैयार किए हैं। आमिर हुसैन का कहना है कि मशहूर शख्सियात के फनपारे बनाना उन्हें असल में खिराज अकीदत पेश करना है। आमिर हुसैन ने कहा कि नमक से स्केच बनाने का फन उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से सीखा है। जी जनाब, आपकी मुलाकात कराते हैं आमिर हुसैन से, हुज़ एन आर्टिस्ट एंड सॉल्ट मास्टर। इस वक्त आप डेनमार्क में मुकीम है, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है इनके लिए, बट थैंक यू सो मच आमिर कि यू आर विद अस। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम सलाम आमिर, वी आर, जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है। ब्रिलियंट आमिर, मुझे बताइए, वी आर ब्लोन ओवर, वी कम्प्लीटली बोल्ड ओवर बाय योर ब्यूटीफुल वर्क। मुझे ये बताएं कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे की, या आपको इसका शौक कैसे पैदा हुआ, इसके लिए यू नो डू यू हैव अ ट्रेनर, किसी ने आपकी मदद की, किसी ने आपको सिखाया ये फन? बेसिकली ये बचपन से, मसवरी तो मैं बचपन से करता आया हूँ, अपनी वालदा को मैं देखता हूँ, वो तस्वीरें बनाती थी, तो फिर उनको देख देख के फिर मुझे भी शौक पैदा हुआ। तो लिखना यही है कि ये है ना, ये कुछ कहीं से सीखा नहीं है, ये बेसिकली खुद सीखा है। तो अब अपनी वालदा के उनकी हेल्प से नहीं सीखा है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं, अगर हम इस खित्ते की तरफ देखते हैं, साउथ एशिया की तरफ, तो रंगोली बनाने का बड़ा फैशन था। जब भी मैं आपके क्लोजअप्स देख रही थी, जब आप अपनी उंगलियों की मदद से, चुटकी की मदद से बड़ी महारत के साथ इस सॉल्ट को डालते थे और फिर उसके बाद उससे यू वुड प्ले अराउंड, मुझे बताएं कि ये बड़ा आम हुआ करता था, बट एंड अ लॉट ऑफ पीपल न्यू इट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ये फ़न बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर एक डिजिटल ज़माना आ गया है, उसमें काफ़ी चीज़ें जो बेसिकली जो चीज़ें जो थी, हुनर जो था, लोग भूल गए हैं। सही। और बंदे का फोकस नहीं रहा, तो ये हकीकत में जो अगर मैं अपना बचपन भी अगर सोचूं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास दरकार नहीं थी, यानी हर चीज़ होने के बावजूद, लेकिन जब भी मुझे कोई पेपर जब मिलता था तो फिर तो मुझे बहुत होता कि इसका है ना कुछ मैं उसको यूटिलाइज किया यूटिलाइज करूँ। हाँ। तो बेसिकली हमारे पास इतनी चीजें दरकार हो गई कि हमारा फोकस जो है वो खत्म हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो खास फन है ना, ये इको फ्रेंडली भी है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी अपनी महारत और अपनी दिलचस्पी शामिल है। आमिर, कितने अरसे से आप यू नो एज अ सॉल्ट मास्टर ये फन पारे बना रहे हैं, और क्या अगर आपसे कोई सीखना चाहे या खुद इस हुनर को यू नो आजमाना चाहे तो उसके लिए आपका मशवरा क्या होगा? कंसिस्टेंसी जो है ना सबसे जरूरी है, आपके अंदर खुद में इत्मादी होनी चाहिए। आप यानी अगर आप शुरू हुए हैं तो आप कोशिश करते रहें। आप इसमें आप बेशक आप मिट्टी यूज़ कर लें, आप नमक यूज़ कर लें,
आप वॉशिंग पाउडर यूज कर लेंगे, जो मर्जी आपके पास जो भी चीज दिखते आप है। ये है ना, जैसे आपने फरमाया कि ये इको फ्रेंडली है, इसमें कोई चीज आपकी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है बेसिकली। आप बाहर से जो भी आपको मिलता है आप यूज कर सकते हैं। तो नमक जो है वो इतने पैसों का नहीं है, आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी आपने फरमाया कि ब्लैक क्लॉथ हो जाए या ब्लैक टेबल हो जाए, तो उसमें बस आप कोशिश करते हैं। अगर आपको मसवरी का शौक है तो आप ये सीख सकते हैं, बहुत इजी है। बिल्कुल सही। आमिर, बस आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं और आप चाहेंगे कि आने वाले दिनों में उनका भी एक खाका, उनका भी एक फन पारा बनाया जाए, तो वो कौन सी शख्सियत होगी? अभी मैं अपने कजन से कल ही बात कर रहा था, तो वो मोहम्मद रिजवान का बेसिकली जहन में आया है, और पीएसएल के ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये मेरे एक आइडिया है जो इंशाल्लाह भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है ना, इंशाल्लाह। चलें फिर आप भी बहुत सारे लोगों की तरह 27 फरवरी को टारगेट कर लें जी, क्योंकि उस दिन पीएसएल का फाइनल भी है, एंड इट वुड बी अ परफेक्ट ओकेजन। थैंक यू सो मच आमिर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एंड फॉर शेयरिंग दीज ब्यूटिफुल थाट्स विद अस। देखें, टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है, और जो लोग ये समझते हैं कि इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है, उनके लिए आमिर हुसैन जैसे आर्टिस्ट हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।